ISRO, the pride of India, दुनिया भर की टॉप 5 स्पेस एजेंसी में अपनी जगह बनाने वाली इंडियन स्पेस एजेंसी ISRO भी है। ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है। ISRO ने स्पेस टेक्नोलॉजी में झंडे गाड़ने के साथ ही अदर डेवलप्ड कंट्रीज को भी टक्कर दी है। ISRO दुनिया की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल ग्रह के लिए सफल छलांग लगाई, वो भी कम बजट के साथ। और इसी के साथ ISRO मंगल पर पहुंचने वाली दुनिया की चौथी स्पेस एजेंसी बनी। चंद्रयान फर्स्ट ISRO का एक ऐसा मिशन था जिसने चांद की चट्टानों और मिट्टी में जमी हुई बर्फ के रूप में पानी का पता सबसे पहले लगाया। भारत की स्पेस एजेंसी ISRO ने अपने देश के साथ अन्य देशों की भी एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च की। कोई दूसरी स्पेस एजेंसी कभी ऐसा नहीं कर पाई। चंद्रयान 2 ISRO का चांद पर जाने का सफर यही नहीं रुका। ISRO ने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चंद्रयान 2 पर काम किया। ISRO के आने वाले मिशन जैसे चंद्रयान 3, गगनयान, आदित्य L1, मंगलयान 2, निसार प्रोजेक्ट और शुक्रयान 1 है। इसके अलावा ISRO ही नई नई चीजें ढूंढने और नए साइंटिफिक मिशन पर हमेशा से ही काम करती रही है। इसके अलावा कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन, रीयूज लॉन्च व्हीकल जैसी चीजों पर भी काम करती रही है। अब बात करते हैं ISRO की स्थापना के बारे में। हमारे देश में अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड गतिविधियों की शुरुआत 1960 के दौरान हो गई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर रामनाथन ने 16 फरवरी 1962 को इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की, जो आगे चलकर 15 अगस्त 1969 को ISRO बन गया। ISRO की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट थी। स्थापना के कुछ दिनों बाद ISRO एक रॉकेट को लॉन्च करना चाहता था, इसीलिए उस रॉकेट को प्रक्षेपण स्थल तक ले जाने के लिए साइकिल के पीछे लगे कैरियर पर लाद कर लॉन्चिंग साइट तक ले जाया गया। यानी ये तब की बात है जब हमारे पास रॉकेट को ले जाने की भी कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि इरादों में दम हो तो चट्टानों से भी पानी निकाला जा सकता है। उस वक्त चाइना स्पेस एजेंसी CNSA और यूरोपियन स्पेस एजेंसी EES ESA की स्थापना भी नहीं हुई थी, जब भारत का ISRO स्पेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा था। इसके बाद ISRO का दूसरा रॉकेट लॉन्च किया जाना था, जो वजन में काफी ज्यादा था और बड़ा था। इसे लॉन्चिंग साइट तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लिया गया। उस दौर में हमारे वैज्ञानिकों के पास कोई दफ्तर नहीं था, तब एक चर्च को वर्कशॉप बना दिया गया जहां APJ अब्दुल कलाम जैसे यंग साइंटिस्ट्स ने काम किया। 2 अप्रैल 1984 को भारत के राकेश शर्मा ने रशियन रॉकेट सोएज T.11 की मदद से अंतरिक्ष में पहुंचकर भारत का मान बढ़ाया। उन्होंने अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए और अहम जानकारियां ISRO को प्राप्त करवाई। साल 1987 में SLV की लॉन्चिंग के साथ भारत ने लगभग प्रत्येक साल अपना मिशन जारी रखा। ISRO ने ऐसे कारनामे किए कि दुनिया देखकर दंग रह गई। भारत ने कई विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में स्थापित करने का काम किया। ये सारी बातें हमें गर्व का अनुभव कराती है। ISRO के सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV, PSLV, GSLV है, जिनके जरिए भारत अपने प्रत्येक स्पेस मिशन को बखूबी अंजाम तक पहुंचाता है। ISRO के गौरवान्वित करने वाले मिशन मिशन मंगल 5 नवंबर 2013 को मंगलयान का सफलतापूर्वक 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए प्रक्षेपण किया गया। इसके लिए एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-25 के साथ सफलतापूर्वक छोड़ा गया। इसके साथ ही भारत भी उन देशों में शामिल हो गया जिन्होंने मंगल पर यान भेजे। लेकिन अब तक अन्य देशों द्वारा मार्स को जानने के लिए शुरू किए गए अभियान असफल रहे। 24 सितंबर 2014 को मार्स पर मंगलयान के पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया। इससे पहले कई विकसित देशों की एजेंसियों जैसे रशिया की रोसकॉस्मोस, अमेरिका की नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने प्रयास किए थे, लेकिन सभी के सभी असफल रहे। लेकिन भारत की स्पेस एजेंसी ISRO फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफल हो गई। इतना ही नहीं, भारत एशिया का भी ऐसा करने वाला पहला देश बना, क्योंकि इससे पहले चीन,
जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने मंगलयान को 2014 के लिए सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में भी शामिल किया। इसरो ने ये मिशन सिर्फ $75 मिलियन में ही कंप्लीट कर लिया, और वो भी पूरी दुनिया से पहले। मंगलयान को मार्स पर मीथेन गैस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए भेजा गया था। साइंटिस्ट को इसके 6 मंथ ही काम करने की उम्मीद थी, लेकिन 4 साल बाद भी इसकी भेजी तस्वीरों को नासा खरीद रहा है, जिनका इस्तेमाल रिसर्च के लिए हो रहा है। मंगलयान में लगे 5 उपकरण इसरो के हैं। पिछले कई सालों से ये जानने की कोशिश चल रही है कि पृथ्वी के बाहर जीवन है या नहीं। इस दौरान कई खोजों से ये अंदेशा हुआ कि शायद मंगल ग्रह पर जीवन है। चंद्रयान फर्स्ट इसरो का चंद्रमा के लिए ये पहला मानव रहित मिशन था। 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग की गई। इसी के साथ भारत उन 6 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने कोई लूनर मिशन चंद्रमा के लिए भेजा था। 14 नवंबर 2008 को जब चंद्रयान 1 चांद के ऑर्बिट में पहुंचा, तब चांद की परिक्रमा लगाते हुए चंद्रयान 1 के रॉकेट के एक हिस्से को अलग करके चांद के साउथ पोल पर क्रैश कराया गया। क्रैश होने के साथ ही चांद पर एक गड्ढा बन गया और उस गड्ढे से उड़ी मिट्टी और काफी सारा मटेरियल इधर उधर फैल गया। यहीं उड़ते मटेरियल में जमी हुई बर्फ के रूप में पानी मौजूद था। ये अद्भुत खोज भारत के चंद्रयान 1 ने कर दिखाई, और जिस जगह पर रॉकेट के टकराने से गड्ढा बना था उसे नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। ये मिशन पूरी तरह सफल रहा। इसने 95% जानकारियां उपलब्ध कराई। चांद के ऑर्बिट के 3000 चक्कर लगाए और 312 दिनों के कार्यकाल में चांद की सतह की तकरीबन 70,000 तस्वीरें धरती तक भेजी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक किसी भी लूनर द्वारा इतनी तस्वीरें नहीं भेजी गई थी। इसके बाद हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कांटोजल PSLV C-37 के एक ही रॉकेट से अपने देश के साथ साथ अन्य देशों की 104 सैटेलाइट लॉन्च की। ऐसा कोई दूसरी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई, और इसी के साथ इसरो ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले रशिया के नाम से 37 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड था। PSLV रॉकेट सबसे किफायती और बेहतरीन लॉन्चिंग व्हीकल है, इसीलिए केवल $44 मिलियन के खर्चे पर अदर कंट्रीज अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करवाने इसरो के पास आए। चंद्रयान 2 इसरो का चांद पर जाने का सफर यही नहीं रुका। अब इसरो ने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चंद्रयान 2 पर काम करना शुरू कर दिया था। इसरो रशिया के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। इसके लिए रशिया से एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के तहत रशिया को लैंडर बनाना था और इसरो को ऑर्बिटर तथा रोवर। लेकिन जब रशिया तय समय तक लैंडर नहीं बना पाया, तो इसरो ने खुद ही स्वदेशी तकनीक से लैंडर बनाने का फैसला किया। इसरो ने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग डेट रखी 14 जुलाई 2019, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते लॉन्चिंग रोक दी गई। 22 जुलाई 2019 को दोपहर 2:43 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर के GSLV मार्क 3 ने चंद्रयान 2 को लेकर अपनी उड़ान भरी। 20 अगस्त से 1 सितंबर तक चांद की परिक्रमा करते हुए चंद्रयान 2 चांद के और भी नजदीक तक पहुंच गया। चंद्रयान 2 को 3 भागों में मिलकर काम करना था। नंबर 1, ऑर्बिटर को चांद की परिक्रमा करते हुए प्राप्त जानकारियां धरती तक पहुंचानी थी। नंबर 2, वही लैंडर यानी विक्रम को चांद की सतह पर उतरना था। नंबर 3, तो रोवर प्रज्ञान का इस मिशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल था। रोवर प्रज्ञान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर घूमकर चांद के मिले नमूनों की जानकारियों को पृथ्वी तक भेजना था। लेकिन चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर ऊपर लैंडर विक्रम में आई तकनीकी खराबी के कारण लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया। भले ही हमारा लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया हो, लेकिन ऑर्बिटर के द्वारा भेजी गई तस्वीरों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसरो का किफायती बजट लगभग $1.5 बिलियन है, तो वहीं अमेरिका नासा पर $20 बिलियन तक खर्च करता है, और चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA का खर्च $11 बिलियन है। इसी किफायती बजट की वजह से ही हमने स्पेस मिशन में पूरी दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया है। अब बात करते हैं इसरो के आने वाले मिशन के बारे में, गगनयान। 3 चरणों में इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दिसंबर 2020 और जून 2021 में 2 मानव रहित यान अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इसके बाद दिसंबर 2021 में 1 मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा।
इसको व्योममित्र नामक एक महिला रोबोट को इस साल के आखिर में और अगले साल भी मानव रहित मिशन में भेजेगा। व्योममित्र एक प्रोटोटाइप हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, मतलब अंतरिक्ष में चलने की कोई जरूरत नहीं होती, इसीलिए इस रोबोट के पैर नहीं बनाए गए हैं। गगनयान के पहले और दूसरे मिशन में कोई इंसान नहीं है, इसीलिए इस साल व्योममित्रों को पहले मानव रहित मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके साथ ही चंद्रमा पर भेजे जाने वाले तीसरे मिशन चंद्रयान 3 को भी इसी साल के अंत तक लॉन्च किए जाने का विचार था, लेकिन ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से अब शायद ये मिशन डिले हो सकते हैं। आदित्य L1 ये पहला भारत का सोलर मिशन है। ये सूरज के अलग अलग एलिमेंट को ऑब्जर्व करेगा। मंगलयान 2 मंगलयान 1 की सफलता ने इंडिया को वर्ल्ड मैप पर एक खास जगह दी। इसी को आगे देखते हुए मंगलयान 2 पर काम करना शुरू कर दिया गया है। इसका काम मंगल पर डेटा कलेक्शन और मार्स सरफेस ऑब्जर्वेशन का काम होगा, निसार प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पर इसरो और नासा मिलकर काम करेंगे। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। शुक्रयान मिशन वीनस के सरफेस और एटमॉस्फेयर की स्टडी की जाएगी। 2024 तक इस मिशन को पूरा करने की योजना है। इसरो के मिशन ना सिर्फ सफल होते हैं, बल्कि ये सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय प्रक्षेपण रॉकेट्स की कॉस्ट फॉरेन लॉन्च रॉकेट की कॉस्ट का एक तिहाई है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अदर कंट्रीज की तुलना में भले ही इसरो के पास ज्यादा संसाधन और बजट नहीं है, लेकिन इरादों की मजबूती बरकरार है।